71 है, 130, 200 और 210 वो भी चला लेगा। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ जाजपुर, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो एक्सकवेटर है वहाँ पे कुछ काम है। तो चलते हैं, अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, तो ब्रेकफास्ट करते हैं निकलते हैं। तो गाइस, अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, ब्रेकफास्ट में थोड़ा वहाँ पे अंडे फ्राई करूँगा। हो गया है अंडा फ्राई, तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो a few moments later, तो गाइस अभी मैं रेडी होके आ गया हूँ, तो अभी चलता हूँ, लाइट अप कर लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 10 बज गया है, 10 नहीं 9:30 बज गया है, चलते हैं। तो इस तरफ तो हम जा नहीं सकते, यहाँ पे बोल के जाएंगे घूम के। अबे ये सीट के अंदर ये क्या है बे? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो गाइस, मैं और मेरे साथ जा रहा है टुलू, तो चलते हैं। तो अभी हम जाएंगे एक शॉप में जहाँ पे गिरीस लेना है। कार हम इसलिए लाए कि अभी बहुत ज्यादा, मतलब ये विंटर सीजन है, बहुत जोर से ठंड लग रहा था, इसलिए हम कार लेके आए हैं। तो आगे बाबू को कॉल करता हूँ, वो जाएगा तो हमारे साथ ले जाएंगे उसको। बाबू फोन नहीं उठा रहा है, तो उसको कॉल करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं। तो अभी हम जाएंगे बॉन्चक, बॉन्चक में गिरीस लेना है। तो गाइस, इस साइड दुकान में हम जाएंगे, जो कि स्पेयर पार्ट्स दुकान है ये, तो जाके वहाँ पे गिरीस लेके आएगा टुल्लू। गाइस, वहाँ पे वो खरीद रहा है गिरीस, तो देखते हैं। अंदर रख दिया है, बैठ जा। तो अभी चलते हैं। तो गाइस, यहाँ से लेफ्ट राइट, यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से जाजपुर रोड जाना है, तो यहाँ से 12 किलोमीटर है। और कितना किलोमीटर में? 12 किलोमीटर है यहाँ से। तो फाइनली हम जाजपुर में आके पहुंच गए हैं, ये हम लोकल में जा रहे हैं, देखते हैं आगे और कितना किलोमीटर है यहाँ से। 2-3 किलोमीटर है यहाँ से। गाड़ी तो आके हेमेसिन के पास पहुंच गए हैं, आगे हेमेसिन, और यहाँ से यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर लेते हैं।
बस गाड़ी यहाँ पे पार्क कर लिया हूँ और टुल्लू जा रहा है मशीन के पास। तो टुल्लू अभी मशीन ऑपरेटिंग करेगा, तो देखते हैं ये कर पाता है या नहीं। कर बाए पाया बाए, ना टाटा गुड बाय। चाबी लाया गया। चाबी किसके पास है? ऑपरेटर के पास ना। हाँ चाबी मशीन के पास है शायद। यार यहाँ पे मशीन के अंदर चाबी है। तो देखिए टुल्लू कैसा ऑपरेटिंग करता है मशीन। तो वहाँ पे टुल्लू बैठ गया है मशीन में, अभी ऑपरेटिंग करेगा शायद। तो गाइस काम कुछ ऐसा हो रहा था, यहाँ से जो सैंड लेके वो फिलिंग हो रहा है अंदर। तो यहाँ पे टुल्लू ये टोटल मशीन ऑपरेटिंग कर लेता है। ये छोटा है और इससे भी बड़ा है हमारा, वो भी ये ऑपरेटिंग कर लेता है बहुत ही आराम से। और इसका ऑपरेटर वो रूम में है, अभी आ रहा है शायद। ये अभी बोल रहा है कि मैं चलाऊंगा, तो देखते हैं। तो देखिए वो चला रहा है मशीन, पूरा आराम से चला रहा है मशीन। फैन है वो लेके यहाँ पे डालेगा। इतना छोटे उम्र के बच्चा मशीन इतना आराम से चला रहा है। देखिए ये तो छोटा है, ये 71 है, 130, 200 और 210 वो भी चला लेगा। ये तो छोटा नहीं, ये मीडियम मशीन है और इससे भी बड़ा हमारा है। तो अभी तो हम नहीं जाएंगे और कभी आपको दिखा देंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है मशीन का सब जितना बड़ा मशीन में भी सब मतलब फेम ही होता है। तो गाइस देखिए कितना आराम से ये मशीन ऑपरेटिंग कर रहा है। और ये तो 71 है, वो मीडियम मशीन है, और इससे भी बड़ा 130 और 200, 210, 310 ये हमारा था। मतलब जब भी जो बड़ा मशीन ये आराम से चला लेगा, कभी हम दूसरे साइड जाएंगे तो आपको इसका ऑपरेटिंग वो जो बड़ा मशीन दिखाएंगे, क्योंकि इस मशीन का जो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, ये सभी में बड़ा और छोटा सब मशीन में सेम होता है। और जेसीबी भी चला लेता है, जो कि जो टायर वाला होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है इससे। तो देखिए कितना बेटे बेटे माज कर दी, माज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तम तो, अरे तम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। तो गाइस वहाँ पे भी एक मशीन है और यहाँ पे ये दो मशीन यहाँ पे काम कर रहा है, वो टायर वाला है और ये मतलब चेन वाला है। यहाँ पे जो ग्रीस हम खरीद के लाए थे वो लेके वहाँ पे जाएगा मशीन में ग्रीस देंगे।
ये मशीन एक जगह में सब इकट्ठा करके रखेगा और ये लेके वहां पे डालेगा। तो गाइस अभी हम घर चलते हैं, तो गाइस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टुल्लू और मैं और एक ऑपरेटर जाएगा हमारे साथ, तो चलते हैं। गुड बाय।